हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एम योर मैथ्स टीचर चारू टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ़ एक्सरसाइज 12.1 ऑफ चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ऑफ क्लास एट सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑफ़ एक्सरसाइज 12.1 वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू को मल्टीप्लाई किया हुआ है सिक्स टाइम्स टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड मल्टीप्लाई टू यानी कि टू को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर राइट किया है टू रेस टू पावर सिक्स तो अगर हम किसी भी नंबर को जैसे यहाँ पर टू जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है सिक्स टाइम तो हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर पावर नोटेशन कैसे राइट करेंगे टू रेस टू पावर सिक्स इट इज़ नोन एज सिक्स पावर ऑफ टू और टू रेस टू पावर सिक्स तो हम इसको इस तरह से रीड करेंगे सिक्स पावर ऑफ टू और टू रेस टू पावर सिक्स तो यहाँ पर टू रेज टू पावर सिक्स में जो टू है वो बेस है टू इज़ कॉल्ड बेस एंड सिक्स इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट तो आपको क्लियर है कि बेस टू है और एक्सपोनेंट सिक्स है तो पावर नोटेशन एक्सपोनेशन नोटेशन क्या है टू रेस टू पावर सिक्स है और इसे रीड कैसे करेंगे टू रेस टू पावर सिक्स नाउ लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट्स फर्स्ट इज एक्स रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर एन अब यहाँ पर जो बेस है वो एक्स है और एक्सपोनेंट एम और एन है बेस इनका सेम है एक्स और मल्टीप्लाई किया हुआ है तो पावर हो जाएंगी एड यानी कि एक्स रेस टू पावर एम प्लस एन नेक्स्ट सेकेंड देखेंगे एक्स रेस टू पावर एम डिवाइड एक्स रेस टू पावर एन अब बेस एक्स है और पावर एम और एन है डिवाइड के केस में जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एम यहाँ पर एन से ग्रेटर है नेक्स्ट थर्ड एक्स वाई का प्रोडक्ट और उसकी जो पावर है वो एम है एक्स वाई रेस टू पावर एम तो यहाँ पर जो x रेस टू पावर m मल्टीप्लाई वाई रेस टू पावर m यानी कि इनको हम सेपरेटली राइट कर सकते हैं नेक्स्ट फोर्थ x डिवाइड बाई वाई रेस टू पावर m अब यहाँ पर x डिवाइड बाई वाई की जो होल पावर है वो m है तो इस तरह से x रेस टू पावर भी m बनेगी और y रेस टू पावर भी m बनेगी नेक्स्ट फिफ्थ x रेस टू पावर जीरो इक्व टू वन यानी कि अगर हम किसी के भी पावर जीरो लेंगे तो वो वन के इक्वल होगा सिक्स एक्स रेज टू पावर m रेस टू पावर एन तो यहाँ पर जो m और एन है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो एक्स रेस टू पावर एम एन बनेगा अगर एन ब्रैकेट के अंदर है और m बाहर है तब भी ये इसी के इक्वल आएगा यानी कि एक्स रेस टू पावर एम एन तो इन लॉस का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में नाउ पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट ए रेज टू पावर माइनस एम अब यहाँ पर माइनस एम है यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हम इसे किस तरह से राइट कर सकते हैं वन डिवाइड बाय ए रेस टू पावर प्लस एम यानी कि जो यहाँ पर माइनस का एम है वो प्लस एम कैसे बनेगा अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ए रेस टू पावर माइनस एम इज कोल्ड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेस टू पावर एम तो इस तरह से अगर हम एक्स रेस टू पावर माइनस वन लेंगे तो उसे हम राइट करेंगे वन अपॉन एक्स रेज टू पावर प्लस वन तो इस तरह से अगर टू रेज टू पावर माइनस थ्री है तो ये बनेगा वन अपोन टू रेज टू पावर प्लस थ्री नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन क्वेश्चन फर्स्ट इवेलुएट फर्स्ट पार्ट टू रेज टू पावर माइनस थ्री अब टू रेज टू पावर माइनस थ्री है यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसे अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो वन अपोन टू रेज टू पावर प्लस थ्री बनेगा अब टू रेस टू पावर थ्री का मीनिंग है टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एट बनेगा तो यहाँ पर इसका सोल्व करके वन अपोन एट बना नाउ सेकेंड फाइव माइनस फाइव रेस टू पावर माइनस टू अब एक्सपोनेंट माइनस टू है पॉजिटिव बनाने के लिए वन अपॉन माइनस फाइव रेस टू पावर प्लस टू बनेगा अब माइनस टू यहाँ पर प्लस टू बन चुका है अब माइनस फाइव रेज टू पावर टू का मीनिंग है माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव से अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर जो माइनस के साइन है वो टू है यानी कि इवन नंबर है तो माइनस फाइव माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ट्वेंटी फाइव बनेगा तो इस तरह से हमने इसे सोल्व किया तो वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव आया नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट वन अपॉइंट थ्री रेज टू पावर माइनस थ्री अब वन अपॉन थ्री रेज टू पावर माइनस थ्री है जैसे एक्स अपॉन वाई रेस टू पावर एम था तो उसे हमने एक्स रेस टू पावर एम डिवाइड बाई वाई रेस टू पावर एम राइट किया था तो इस तरह से वन अप रेस टू पावर माइनस थ्री थ्री रेस टू पावर माइनस थ्री बनेगा अब इनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो जो ये डिनोमिनेटर में थ्री रेज टू पावर माइनस थ्री है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा यानी कि थ्री रेज टू पावर प्लस थ्री वन रेज टू पावर माइनस थ्री डिनोमिनेटर में वन रेज टू पावर प्लस थ्री बनेगा अब थ्री रेज टू पावर थ्री को हम राइट करेंगे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री जहा नाइन नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन वन रेज टू पावर थ्री यहाँ पर वन ही रहेगा उसे राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट तो हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को पावर नोटेशन में विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट सो फर्स्ट पार्ट इस माइनस थ्री रेज टू पावर 5 डिवाइड माइनस थ्री रेज टू पावर 9। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई करेंगे अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्स रेज टू पावर m डिवाइड एक्स रेज टू पावर एन तो यहाँ डिवाइड के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती यहां है अब यहाँ पर बेस सेम है माइनस थ्री है पावर है फाइव और नाइन यानी कि जो इनकी एक्सपोनेंट हैं माइनस हो जाएंगे फाइव माइनस नाइन माइनस करेंगे तो माइनस का फोर बनेगा अब हमें तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए तो ये पॉजिटिव अगर हमें एक्सपोनेंट चाहिए तो वन डिवाइड बाय माइनस थ्री रेज टू पावर प्लस फोर बन जाएगा एक्सपोनेंट प्लस फोर बन जाएगा अगर हम इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे सो so, इस तरह से हमने इसे सोल्व किया नाउ सेकेंड पार्ट वन अपॉन टू रेज टू पावर थ्री होल एक्सपोनेंट है इसका फोर यानी कि वन अपोन टू रेस टू पावर थ्री होल पावर इसकी फोर है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे एक्स अपॉन वाई रेस टू पावर m तो ये बनता है x रेस टू पावर m डिवाइड बाई वाई रेस टू पावर m तो इसे सेपरेट कर लेंगे वन रेस टू पावर फोर टू रेस टू पावर थ्री रेस टू पावर फोर अब वन की पावर यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर वन को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे वन ही बनेगा अब टू रेज टू पावर थ्री पावर फोर है अब यहाँ पर देखेंगे x रेज टू पावर m रेज टू पावर n था तो ये इनकी जो एक्सपोरेंट थे मल्टीप्लाई होकर एम एन बनता था तो ऐसे यहाँ पर जो थ्री और फोर हैं एक्सपोरेंट ये मल्टीप्लाई होकर ट्वेल्व बनेगा तो इसका जो सोल्व करके आंसर आया वन डिवाइड बाई टू रेज टू पावर ट्वेल्व नाउ थर्ड पार्ट माइनस थ्री रेज टू पावर प्लस फोर मल्टीप्लाई फाइव अपॉन थ्री रेज टू पावर फोर अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं माइनस थ्री रेज टू पावर फोर है सो माइनस वन रेस टू पावर फोर को हमने सेपरेट किया और थ्री रेज टू पावर फोर को सेपरेट किया तो इस तरह से हमने इसे ब्रेक किया अब इसे हम सेपरेट कर सकते हैं फाइव रेस टू पावर फोर थ्री रेज टू पावर फोर तो यहाँ पर जो थ्री रेज टू पावर फोर है वो कैंसिल हो जाएगा माइनस वन रेस टू पावर फोर है फोर यानी कि ए नंबर तो यहाँ पर वन ही बनेगा फाइव रेस टू पावर फोर राइट करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव रेस्ट टू पावर फोर बनेगा आंसर नाउ फोर्थ पार्ट टू रेज टू पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई टू रेस टू पावर टेन डिवाइड टू रेज टू पावर माइनस सेवन अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो इनका बेस है वो टू है सेम है मल्टीप्लाई के केस में जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं तो माइनस सिक्स प्लस टेन बनेगा माइनस सिक्स प्लस टेन यानी कि प्लस माइनस माइनस टेन में से सिक्स माइनस करेंगे तो फोर बनेगा डिवाइड टू रेज टू पावर माइनस सेवन एज इट इज़ अब डिवाइड के केस में अब यहाँ बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यानी कि फोर माइनस माइनस सेवन बनेगा फोर प्लस सेवन हो जाएगा माइनस माइनस तो फोर प्लस सेवन इलेवन बनेगा तो टू रेज टू पावर इलेवन बनेगा यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है इलेवन नाउ थर्ड क्वेश्चन फाइन द वैल्यू फर्स्ट पार्ट इज़ टू रेज टू पावर जीरो प्लस थ्री रेज टू पावर माइनस वन मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर टू यहाँ पर हम लॉज ऑफ़ एक्सपोरेंट अप्लाई करेंगे एक्स रेज टू पावर जीरो वन होता है तो यहाँ पर टू रेज टू पावर जीरो वन बनेगा थ्री रेज टू पावर माइनस वन यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वन अपॉन्ट थ्री बनेगा जैसे यहाँ पर एक्स रेज टू पावर माइनस वन है तो उसे हम वन अपॉन एक्स राइट कर सकते हैं तो इसी तरह से थ्री रेज टू पावर माइनस वन को हमने वन अपॉइंट थ्री राइट किया और टू रेज टू पावर टू यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर बनेगा नाउ अब ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉइंट थ्री है एलसीएम लेंगे थ्री सिम्प्लीफाई करेंगे तो बनेगा थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई फोर एज इट इज़ इन्हें प्लस करेंगे थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फोर 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 जा सिक्सटीन अपॉन थ्री बनेगा इसका आंसर तो इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया नाउ सेकेंड पार्ट टू रेज टू पावर माइनस वन मल्टीप्लाई फोर एज टू पावर माइनस वन मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर फोर अब एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाएंगे वन अपॉन टू रेज टू पावर प्लस वन मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर टू पावर प्लस वन मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर फोर अब ये मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो वन अपॉन एट बनेगा तो इसको सो करके आया टू रेस टू पावर फोर डिवाइड बाई एट अब हम ऐट को राइट कर सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू यानी कि टू रेस टू पावर थ्री राइट कर सकते हैं हम एट को तो डिनोमीटर में हमने एट को राइट किया टू रेस टू पावर थ्री अब जो डिवाइड में है टू रेस टू पावर थ्री और न्यूमरेटर में है टू रेस्ट टू पावर फोर तो इनका बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो इनकी पावर सब हो जाएंगी फोर माइनस थ्री वन बनेगा यानी कि टू रेस पावर वन विच इज इक्वल टू टू सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया नाउ थर्ड पार्ट अपॉइन्ट थ्री रेस टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन फाइव रेस टू पावर माइनस टू नेगेटिव है पॉजिटिव बनाएंगे तो वन फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेपरेट करेंगे वन रेज टू पावर माइनस टू और थ्री रेस टू पावर माइनस टू अब वन की पावर कुछ भी होगी तो वो वन ही बनेगा तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में थ्री रेस टू पावर माइनस टू राइट किया फाइव रेस टू पावर माइनस टू इन्हें पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए इनमिनेटर में शिफ्ट करेंगे थ्री रेज टू पावर टू फाइव रेस टू पावर टू अब थ्री रेस टू पावर टू का मीनिंग है थ्री मल्टीप्लाई थ्री क्योंकि थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है थ्री से थ्री थ्री जो नाइन ऐसी फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव इन्हें प्लस करेंगे तो थर्टी फोर बनेगा नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट फाइव रेज टू पावर जीरो प्लस सिक्स रेस टू पावर माइनस टू रेस टू पावर जीरो सिंप्लीफाई करते हैं फाइव रेज टू पावर जीरो वन बनेगा क्योंकि एक्स रेस टू पावर जीरो वन बनता है ऐसे नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया वन अपॉन सिक्स रेस टू पावर टू होल पावर जो थी जीरो वन अपॉन वन राइट किया हमने और सिक्स रेस टू पावर टू का मीनिंग है सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स तो यहाँ पर थर्टी सिक्स राइट किया सिंपलीफाई किया तो थर्टी सेवन अपॉन थर्टी सिक्स रेस टू पावर जीरो अब यहाँ पर पावर जीरो है तो ये किसके इक्वल आएगा वन के इक्वल आएगा नाउ नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट माइनस टू अपॉन थ्री रेज टू पावर माइनस टू रेज टू पावर टू अब जो यहाँ पर एम और एन होता था जैसे एक्स रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन होता था तो एम और एन मल्टीप्लाई हो जाते थे तो यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू को टू से तो माइनस फोर बनेगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में तो बनेगा थ्री डिवाइड बाई माइनस टू रेस टू पावर प्लस फोर अब पावर इनकी है जो थ्री रेस टू पावर और माइनस टू टू पावर जो फोर है सेपरेट हो जाएगा थ्री रेस टू पावर फोर डिवाइड बाय माइनस टू टू पावर फोर बनेगा अब पावर फोर है यानी कि थ्री को फोर टाइम्स थ्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री जाए नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एटी वन बनेगा ऐसे ही माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू फोर टाइम्स मल्टीप्लाई होकर प्लस का सिक्सटीन बनेगा तो इसे सिंप्लीफाई किया तो बना एटी वन डिवाइड सिक्सटीन सो टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन वन टू एंड थ्री ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन चैप्टर ट्वेल्व एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ऑफ क्लास एट I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.